10 मार्च को उथली हीरा खदान में पन्ना के ब्रजपुर थाना क्षेत्र के आदिवासियों के साथ सतना वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की थी, जिससे एक आदिवासी के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इसकी शिकायत करने पीड़ित और ग्रामीण पन्ना में सांसद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद सांसद वीडी शर्मा ने सतना के डीएफओ को फोन पर जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। जानकारी के मुताबिक 10 मार्च को पन्ना के ब्रजपुर थाना क्षेत्र और सतना के बरौधा थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित बृहस्पति कुंड में गहरा गांव के कुछ आदिवासी उथली हीरा खदान में छोटे छोटे गड्ढों से हीरे की चाल निकाल रहे थे। इसकी भनक सतना के बरौधा वन रेंज के अधिकारियों को लगी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने गरीब आदिवासियों पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दी और करीब आधा दर्जन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें सलीम आदिवासी के पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, बाकी सभी को मामूली चोटें आई। इसके बाद इस व्यवहार से परेशान होकर आदिवासी ग्रामीणों के साथ बुधवार को सांसद वीडी शर्मा के कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत की। सांसद वीडी शर्मा ने अत्याचार को देखकर डीएफओ सतना को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप लोग भगवान हो गए हैं, वन विभाग के लोग भगवान हो गए हैं, किसी भी गरीब को मारेंगे। इस मामले में तत्काल जांच कराए जाने की बात भी उन्होंने निर्देशित की और कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, ये एसडीओ कौन है, इनको ठीक कर देंगे। वहीं पन्ना एसपी साई कृष्ण थोटा ने इस मामले में कहा कि बृहस्पति कुंड के एरिया में सतना पुलिस और विभाग ने हीरे के अवैध खनन पर कार्रवाई की थी, जिसमें कुछ लोगों ने आवेदन दिया है कि उनको चोट आई है। अजयगढ़ एसडीओपी को इस मामले की जांच सौंपी गई है, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, पैर टूटा हुआ है इसका, और एसडीओ और इसकी बात कर रहे हो तुम, हैं? भगवान हो गए आप लोग, वन विभाग के लोग भगवान हो गए, किसी को ही मारेंगे गरीब को। अरे भाई मैं कह रहा हूं वो नहीं सुन रहे हो आप, आपका एसडीओ ठीक बता रहा है, इसकी जांच कराइए इमीडिएट, मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। और ये एसडीओ को, एसडीओ कौन है, इनको ठीक कर देंगे, कौन है ये जिन्होंने किया है, ये कोई तरीका होता है क्या है? भाई गरीब लोग हैं बेचारे, उनको मार रहे हैं, आप बताइए क्या बात है, कानूनी कार्रवाई क्या है, मारने का किसने अधिकार दिया है भाई? उसका पैर टूटा है बेचारे का, गरीब का, देखिए पड़ा हुआ है यहाँ पर। इनका इनका पूरा डिटेल बताओ, और ये कौन ने किया है, कौन लोग बात, ये कहाँ से आए हो और क्या परेशानी है? हम आए हैं बरहे से, बरहे से आए हैं, हम गए थे काम करने, तो वहाँ 10 बजे के लगभग पुलिस उतारे आई और फॉरेस्ट गार्ड, तो हमको रगड़ने लगा, मारने लगा, और कुल्हारी लिए थे, बका लिए थे, वो काटने फोड़ने लगा, मोटर सेक्शन डिलीवरी मोटर ले गए। हाँ, ऐसे कितने लोगों के साथ में मारपीट की है? मारपीट ऐसे हो गया है 4-6 लोगों के ज़्यादा, और दो तीन और कुछ तो भाग दिन है, लब धब धम आ रहा था के पीछे भागा, खदान खदान खोदते थे, ककड़ू मचाते थे, वो निकलती है वहाँ नदी में। हाँ, पन्ना जिले में रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है तो ही रोज, और हमको पंचायत काम नहीं मिलता है, वैसा पंचायत का काम मिला तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते। हाँ, इसीलिए लगातार पलायन करते हो? बस जी सर। कहाँ जाते हो काम करते? बस पत्ता लिया। अच्छा जी बताओ, हीरा खदान में काम करते हो आप लोग, पंचायत में इतने काम खोलते हैं तो क्यों नहीं पंचायत में काम करते हो? साहब सबको काम नहीं मिलता है, अब 5-6-7-8 आदमी लगाए पंचायत में, तो समय से पैसा ना मिलो, हम गरीब आदमी, गरीब आदमी कहाँ हम इतना रुक सकते हैं। हमको पंचायत में आपके अकाउंट में पैसा आता होगा, फिर कौन निकाल लेता अकाउंट में? साहब कत्ता आवा थे, अब 4-6 लड़का बच्चे या दो, हम कहाँ लो हमको जाए खर्चा। इसीलिए खदान में काम करते हो? जी सर। कौन सी खदानों में? ककड़ू वाली हीरा खदान। तो वहाँ से गुजारा हो जाता है? हो जाता है सर। साहब परिवार करते हो? जी सर। ऐसे कितने लोग आज यहाँ पर आए हैं साहब? यहाँ पर आए हैं जाना 50 आदमी। तो सभी लोगों को सामान वगैरह भी छुड़ा लिए? सब छुड़ा लिए। मारपीट भी की? हाँ। क्या नाम आपका? चुनू बादा।